छाता ब्लॉक प्रमुखी के लिए कल 3 प्रत्याशियों ने अपना भविष्य आजमाने के लिए पर्चा दाखिल किया था। इन तीनों प्रत्याशियों के पर्चे दोपहर 3 बजे के बाद चेक किए गए। चेक करने के बाद आज लिस्ट जारी की गई, जिनमें से भाजपा प्रत्याशी कविता पत्नी महेंद्र निवासी गुहारी, समाजवादी पार्टी से देवो पत्नी देवराज निवासी बसई, वहीं निर्दलीय हरीसा पत्नी रामकुमार तिवारी आदि ने पर्चा दाखिल किया था। इन तीनों प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए। नामांकन पत्र जांच अधिकारी सुभाष ने बताया कि हरीसा पत्नी रामकुमार निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र के प्रपत्र संख्या 1 के न होने पर उसे निरस्त कर दिया गया। वहीं दूसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से देवो पत्नी देवराज का प्रपत्र नंबर 6 में त्रुटि होने की वजह से उसे निरस्त कर दिया गया। अब केवल एक ही नामांकन बचा है, वो है भाजपा से कविता पत्नी महेंद्र निवासी गोहारी। अब उन्हीं को ब्लॉक प्रमुख बनाया जाएगा, जिनको 12 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण ठाकुर और इस समय हम मौजूद हैं छाता के ब्लॉक में, जहां पर ब्लॉक प्रमुखी को लेकर के कल यहां पर नामांकन किए गए थे, जिसकी वजह से सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ी झड़प भी हुई थी। और देखना यह था कि किस प्रत्याशी का पर्चा आखिर निरस्त हुआ है, किस प्रत्याशी को आखिर विजयी मिलेगी, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम ब्लॉक में आए हैं यह देखने के लिए किस किस प्रत्याशी का यहाँ पर पर्चा दाखिल हुआ था, किसका निरस्त हुआ है। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो वहाँ मात्र केवल एक ही प्रत्याशी है, कविता पत्नी महेंद्र, जो कि गुहारी गांव से रहने वाली हैं, केवल उन्हीं का पर्चा यहाँ पर बच गया है। बाकी के जो 2 और प्रत्याशी थे, देवो पत्नी देवराज जो कि बसई गांव थाना सेरगढ़ के रहने वाले थे, और तीसरे प्रत्याशी थे हरीसा पत्नी राम कुमार तिवारी, वो आदमपुर थाना सेरगढ़ के रहने वाले थे। दोनों के पर्चों को निरस्त कर दिया गया है। हरीसा के पर्चे में यह दिखाया गया कि प्रारूप नंबर 1 उनके प्रपत्र मौजूद नहीं था। बसई वाले जो सपा वाला पर्चा था उसको भी, उसमें कमी दिखा कर उसको भी निरस्त कर दिया गया। केवल एक ही पर्चा बचा है, जो कविता पत्नी महेंद्र के नाम से यहाँ पर पर्चा बचा हुआ है, उसी को केवल अब विजयी घोषित किया जाएगा, जिनकी 12 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा।